अमित्री और राजनाथ को बुला कर लाओ शीघ्र। और मालवा की नफरत को हमेशा के लिए खत्म करना हो। वचन देता हूं मान्यखेट और मालवा की शत्रुता को मिटाने के लिए अगर अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़े तो अवश्य दूंगा। हमने शत्रुओं पर दया करने के लिए लड़ाई की थी, जिसने हमारे राज्य को तबाह बर्बाद करने की पूरी कोशिश की, जिसने हमारे सैनिकों की हत्या की, उनके बच्चों को अनाथ किया, जिसने विदेशी हमलावरों के साथ मिलकर हम पर आक्रमण किया, मालवा को नुकसान पहुंचाया, उसे मृत्यु दंड देने की बजाय उसकी रक्षा करना, उसे राजकीय चिकित्सा देना, ये मालवा का अपमान है, युद्धभूमि में बहाए गए खून का अपमान है। और हम उस अपमान को सहने के लिए विवश हैं। क्यों? आखिर क्यों? बिना सोचे उत्तेजित होने के बजाय हमें पृथ्वी से बात करनी चाहिए। पृथ्वी कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करता। छल है ये, विश्वासघात है, अपमान है, न सिर्फ मालवा की जनता का बल्कि महाराज सिंहदंत के उस निर्णय का भी, जिसने पृथ्वी को मालवा का सम्राट बनाया। दुर्भाग्य है ये मालवा की जनता का कि जिस शत्रु को सारी जनता के सामने चौराहे पर फांसी की सजा देनी चाहिए थी, वो हमारे अतिथि ग्रह की शोभा बढ़ा रही है। ऐसा करके सम्राट चाहते क्या है? क्या वो मालवा के लिए एक नया इतिहास लिखना चाहते हैं या एक नई परंपरा की शुरुआत करना चाहते हैं जिसमें शत्रुओं को सम्मानित और मालवा को अपमानित और लज्जित किया जाए? नहीं, ये सही नहीं है। राजधर्म के अनुसार इस नियम का विरोध किया जाना चाहिए। राजधर्म के क्या नियम है और क्या कानून है मैं भली भांति अवगत हूं। हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर पृथ्वी के दिल में क्या है। इसमें जानने जैसा क्या है? साफ है कि उसे अहंकार है अपनी सत्ता का। हमारी भावनाओं का कोई स्थान नहीं है इस राजमहल में। महाराज की जय हो। आइए राजवैद्य। आज्ञा महाराज। ये राजकुमारी मृणाल है, इनके चिकित्सा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। जी। पृथ्वी भैया, राजकुमारी मृणाल, परंतु ये तो मालवा की। जानता हूँ, लेकिन इस समय केवल एक घायल योद्धा है और इनका इलाज करना हमारा धर्म है। परंतु एक शत्रु को इस राजमहल में संरक्षण देना और उसके प्रति आपका इस तरह का व्यवहार, क्या राजधर्म को स्वीकार होगा? मैं जो कर रहा हूँ उससे राजधर्म को कोई खतरा नहीं है, आप निश्चिंत रहें। आप बिना संकोच के इनकी चिकित्सा आरंभ करें। जी। पृथ्वी भैया, आपके इस निर्णय का क्या परिणाम होगा? इसका एहसास तो होगा ही। मैं जो भी कर रहा हूं वो मालवा के हित में है।
मालवा पर ईश्वर की कृपा है जो आप जैसा राजा मिला। इस तरह का निर्णय लेना सबके बस की बात नहीं, परंतु इस राजमहल में बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह सोचते हैं। मृणाल को राज्य चिकित्सा देकर उचित व्यवहार किया है। कोई समझाएगा मुझे आखिर ये हो क्या रहा है? वर्षों पुरानी नफरत को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम मृणाल से मिलना चाहेंगे पृथ्वी। आप मृणाल से मिलेंगे? आपको सामने देखकर पता नहीं वो कैसे व्यवहार करेगी। पिताजी वो आपका अपमान भी कर सकती है। हमारे मान अपमान से ज्यादा जरूरी है मालवा और मान्यखेट की शत्रुता को मिटाना, और हमने निर्णय ले लिया। पिताजी मेरा कहा मानिए, मत जाइए वहां पर, खतरा है वहां। मां मां आप कुछ कहती क्यों नहीं? सिंधु अगर पिताजी मृणाल से मिलकर संधि की बात, कुछ फायदा नहीं संधि के प्रस्ताव का। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा पृथ्वी बार बार मृणाल के साथ संधि की बात क्यों कर रहा है। कैसे राजकुमारी मृणाल से प्यार हो गया? पृथ्वी शत्रुता और मित्रता का ये जो खेल तुम खेल रहे हो ना अच्छी बात नहीं है। अगर पिताजी के साथ कुछ हो गया ना तो उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। पिताजी मुझे आपकी चिंता है, एक पुत्र की चिंता अपने पिता के लिए। पृथ्वी सही नहीं कर रहा है। पृथ्वी जो कर रहा है उससे उत्तर और दक्षिण का भविष्य अच्छा ही होगा। इस शत्रुता को मिटाना ही होगा। कल हम मृणाल से मिलेंगे अवश्य, और ये हमारा निर्णय। इस लेप को दिन में 3 बार इनके घाव पर लगाना। मुझे कुछ और औषधियों का प्रबंध करना है जिससे ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। और हाँ यदि इनकी मूर्छा टूटे तो इन्हें दूध और हल्दी का मिश्रण पिलाना। जी वैद्यराज जी हम ध्यान रखेंगे। कैसी तबीयत है मृणाल की? स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, बहुत जल्दी उठ बैठेंगी। अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ और जड़ी बूटियों का प्रबंध करना है। पृथ्वी भैया पिताजी का क्या निर्णय है? वे कल दिन में मृणाल से मिलने आएंगे। इतना गुस्सा, वो भी इन निर्जीव वस्तुओं पर जो ना तो विरोध कर सकते हैं और ना ही सलाह दे सकते हैं। विरोध, किसी भी तरह का विरोध स्वीकार नहीं मुझे। विरोध क्रोध का कारण तो बन सकता है लेकिन क्रोध उस विरोध का समाधान नहीं है। आवश्यक है क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए इस विरोधपूर्ण वातावरण को अपने पक्ष में मोड़ना। उपदेश मत दीजिए मुझे। मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं, केवल इतना समझा रहा हूं कि जब समस्या है तो समाधान भी होगा। कितना सुंदर और शांत चेहरा, उसकी आंखों में जो तुमने नफरत की आग देखी उसका कारण हम हैं। इस गुनाह का बोझ अब हमसे सहा नहीं जाता। मृणाल से एकांत में मिलना चाहते हैं। एकांत में? पिताजी कोई नहीं जानता आपको देखकर मृणाल की क्या प्रतिक्रिया होगी। मैं आपको इस प्रकार अकेले नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी उपस्थिति में वो हमसे खुलकर बात करने में संकोच कर सकती है। आपकी सुरक्षा मेरे लिए प्राथमिकता है, मैं आपको इस प्रकार अकेले नहीं छोड़ सकता।
तुम ऐसी किसी जगह छिप जाओ जहां उसे तुम्हारी उपस्थिति का आभास ना हो। पिता के प्रति तुम्हारा प्रेम दायित्व की क्षमता पर मुझे कोई संदेह नहीं है, किंतु मान्यखेट की राजकुमारी का बार बार इन पर प्रहार करना ये अवश्य चिंता का विषय है। पृथ्वी, मैं ये भी जानती हूं कि महाराज ने तुम्हारे सामने हट की थी कि वो मान्यखेट की राजकुमारी को एकांत में मिलना चाहते हैं, किंतु उनकी ये हट और तुम्हारा तुम्हारे पिता के प्रति प्रेम ये मुझसे मेरे पति को छीन सकता था। माँ, मानता हूं, माँ मानता हूं अपना दोष। मैं दोषारोपण नहीं कर रही हूं पृथ्वी, और मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि तुम्हें अपने पिता की इच्छाओं को पूर्ण नहीं करना चाहिए। अवश्य करना चाहिए, किंतु उचित इच्छाओं को, अनुचित इच्छाओं को नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारे हृदय में भी कुछ नहीं है, तुम केवल अपना दायित्व निभाना चाहते हो, किंतु पृथ्वी, उनके जीवन को दांव पर लगाकर नहीं। मैं चाहती हूँ कि मान्यखेट की राजकुमारी को इसी क्षण महल से दूर ले जाया जाए। वो घात लगाए बैठी है, किसी भी क्षण उन्हें आघात कर सकती है, और मैं ये नहीं चाहती। हाल में सजाकर अवसर दिया था हमने,
तो आघात तो करेगी नहीं। रंगोत्सव के लिए भी मना किया था मैंने, पर मेरी सुनता कौन है? मिर्नाल को महल में लाने का बहिष्कार किया था मैंने, तब भी उसे यहां लाकर रखा गया, तब भी पिताजी पर घातक हमला हुआ था और वो बाल बाल बचे थे। इस बार फिर से पिताजी पर घातक हमला हुआ और अगर नहीं माननी है मेरी बात तो मत मानो, भविष्य में मैं कहूंगा भी नहीं। सिंधु मेरे भाई, मैं कम से कम मेरे पिताजी को मृतशीय कोशिश की। मेरे पिता के लिए ना सारी दुनिया में आग लगा सकता हूं, सब कुछ नष्ट कर सकता हूं मैं। अगर पिताजी को वचन नहीं दिया होता तो तुम्हारी दोस्तियां विशेष नहीं छोड़ता मैं। पिछला युद्ध ना तुम्हारा अंतिम युद्ध होता, तुम पिताजी को अगर वचन नहीं दिया होता ना तो बना दिया अपने जैसा, कर दिया मजबूर नफरत करने के लिए। नफरत से सिर्फ नफरत पैदा होती है, समझती क्यों नहीं आप? ये भ्रम है, ये अनुमति हो तो कुछ कहूं आपको। हर समस्या का समाधान मदिरा क्यों लगता है राजकुमार? आप भी कटाक्ष करने लगे महाकाय, आपको नहीं पता कि मैं क्यों पीता हूं? इसीलिए तो पूछ रहा हूं, आप अवसर को क्यों नहीं तलाश करते? हर बार आपकी प्रतिक्रिया एक हारे हुए व्यक्ति की तरह क्यों होती है? इतना स्वर्णिम अवसर है किंतु वो आपको कभी दिखाई नहीं देता। कौन सा स्वर्णिम अवसर? मुझे तो नहीं दिख रहा। अवश्य दिखता, अगर आपकी आंखों पर मदिरा ने पट्टी न बांधी होती। हर बुराई के पीछे कोई ना कोई अच्छाई होती है। इस दुर्घटना ने भी हमें एक स्वर्णिम अवसर दिया है, हवा में उड़ते पृथ्वी को उसका स्थान दिखाने का। सारे राज परिवार की आंखों पर बंधी पृथ्वी के नाम की पट्टी हटाने का। खासकर युवराज भोज की आंखों से।
ऐसी योजना है जो मालवा की जनता को उकसाए, पृथ्वी से ये प्रश्न करने के लिए कि उसने जानबूझकर महाराज की जान को खतरे में क्यों डाला। एक ऐसी चाल जो मृणाल नाम की समस्या का निदान जल्दी कर देगी। इसमें मेरी भूमिका क्या होगी? एक महत्वपूर्ण कार्य, मदिरा त्याग दो। महाकाय, मैं राज सत्ता को प्राप्त करने के लिए कुछ भी त्याग सकता हूं, ये तो सिर्फ मदिरा है। योजना क्या है? योजना छोटी सी है, कारावास ले जाते समय मृणाल का अपहरण करवाना और दोष पृथ्वी के सर पे डालना। भटक गई हैं आप। आज ही पहचान हुई है हमारी, नए नए मित्र हैं, लेकिन आप चाहें तो अपना दर्द बांट सकती हैं मेरे साथ। सही नहीं किया तुमने, सही नहीं है, ये पृथ्वी है। उसकी नफरत का उत्तर तुम्हारी नफरत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। गुनहगार हूं तुम्हारा मैं, गुनहगार हूं। लेकिन एक ना एक दिन इस नफरत को समाप्त कर दूंगा, हमेशा के लिए। पृथ्वी, मां का है। फिर से कोई योजना बना रहे हैं? मंतव्य यदि प्रेम हो तो घृणा कितने भी जाल बिछा ले, प्रेम अपना मार्ग खोज ही लेता है। चिंता की कोई बात नहीं रसनिधि। पृथ्वी, तुम ना मेरी समझ से ना कभी कभार परे हो जाते हो। मैं तुम्हें इतनी चिंताजनक योजना के बारे में बता रहा हूं और तुम सचेत होने की बजाय मुस्कुरा रहे हो। मुस्कुरा इसलिए रहा हूं रसनिधि, क्योंकि तुमने मेरी समस्या का निदान कर दिया। हा? मैंने जो व्यवहार मृणाल के साथ किया वो ना केवल उनके प्रति अन्याय था बल्कि मेरे आचरण के भी विरुद्ध। अब अगर भूल मैंने की है तो उसका निदान भी मुझे ही करना होगा। नफरत से केवल नफरत जन्म लेती है। उन्होंने बचपन में इतना दुख देखा है कि उनकी इस एक भावना ने उनके अंदर कभी किसी और भावना को पनपने ही नहीं दिया। वे जीना भूल गई हैं। उन्हें जीवन के करीब लाना होगा, प्रेम सिखाना होगा, उन्हें हंसाना होगा, तभी नफरत समाप्त होगी।
मैं तुम्हारी योजना समझ तो नहीं पा रहा, पर मैं तुम्हारे साथ जरूर हूँ। इसमें कोई जोखिम तो नहीं है ना? अब यदि प्रेम की गंगा बहानी है कविराज, तो जोखिम तो उठाना पड़ेगा, समझे? जोखिम? ओम शन्नो मित्रश्यं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः ओम शांति शांति शांति। बार बार होने वाले आक्रमण ने हमारे पूर्व महाराज सिंहदंत के शरीर को कमजोर बना दिया था। लगातार वे अस्वस्थ हो रहे थे, और अब मान्यखेट की राजकुमारी मृणाल द्वारा हमारे महाराज पर जानलेवा हमला करने से महाराज मृत्यु के मुंह में जाने से बाल बाल बचे। इसीलिए आज महाराज की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमने इस मंगल यज्ञ का आयोजन किया है। मैं राज्य की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं और अपना आभार व्यक्त करता हूं। महाराज सिंह दंत स्वस्थ रहें। ये जानते हुए भी कि राजकुमारी मृणाल से महाराज सिंह दंत और समूचे मालवा को खतरा है, तो उसे मृत्यु दंड क्यों नहीं दे देते? उसे ऐसी राजकीय व्यवस्था देने की क्या आवश्यकता थी? मान्यखेट की राजकुमारी ने मालवा के जान माल को कितना नुकसान पहुंचाया है, औरतों को विधवा बनाया है और बच्चों को अनाथ किया है। मृणाल को मृत्यु दंड देकर सम्राट को हमें न्याय देना चाहिए। क्या ऐसा करके वो मालवा की जनता में आक्रोश व असंतोष पैदा नहीं कर रहे हैं? क्या मृणाल को बंदी बनाने के पीछे महाराज का व्यक्तिगत स्वार्थ तो नहीं? हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर चाहिए। प्रजा की शंका का समाधान करना राजा का कर्तव्य होता है, किंतु उस राजा को प्रश्न पूछने से पहले क्या प्रजा को राजधर्म और परंपरा के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मुझे आगे दीजिए। चाचा, मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। मैंने सदैव ही आपको अपना आदर्श माना है चाचा। यदि कभी आप पे संदेह हुआ तो मुझे लगा है वो संदेह स्वयं मुझ पे हुआ है। लगता है प्रजा के प्रश्नों से आहत हो, लेकिन प्रजा को अधिकार है पुत्र अपने राजा से प्रश्न करने का। किंतु जो प्रश्न आ चुके हैं आपके व्यक्तित्व पर उठे। राजकुमारी मृणाल को बंदी बना के रखने के पीछे क्या सत्य है चाचा? कोई तो कारण है जो आप बिना किसी की परवाह किए एक दुश्मन राजकुमारी को
आपकी दया दृष्टि से देख रहे हैं। तुम्हारा जो मुझ में विश्वास है कहीं वो डगमगा तो नहीं रहा पुत्र? ना तो मुझे आप पर संदेह है और ना ही मेरा विश्वास डगमगाया है, किंतु मेरी आस्था को चोट अवश्य पहुंची। आस्था? कैसी आस्था? किस पर आस्था? इस महल पर, यहां की राजनीति पर। मुझे लगता था यहां पे जो कुछ भी होता है नियम के अनुसार होता है, सबकी सहमति के अनुसार होता है, किंतु नहीं। मैं यहां पे देख रहा हूं विचारों में भेद, लोगों का आपस में मतभेद। पुत्र, इस समय तुम्हें कुछ भी समझाना संभव नहीं, समय आने पर तुम स्वयं समझ जाओगे। अभी तुम्हारी उम्र केवल, मैं गुरुकुल जाना चाहता हूं चाचा। गुरुकुल? किंतु क्यों? मुझे समय चाहिए चाचा, यहां की जंजावटों से, यहां की राजनीति से। आज्ञा दीजिए चाचा। सपना है? यथार्थ है, कोई सपना नहीं। राजमहल की चार दीवारें हैं, छूकर देख लीजिए। हमने वचन दिया था कि जल्द ही आप दोनों को सुरंग के अंधेरे से बाहर लेकर आएंगे। लेकिन हमारे हिस्से में इतना उजाला आएगा ये नहीं सोचा था। कोशा का सौभाग्य है कि उसे आप जैसे संरक्षक मिले हैं। हम आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे महाराज। उपकार नहीं, इसे उपहार समझिए। उन सब तकलीफों के बदले जो आपने और कोशा ने हमारे लिए झेली है, ससम्मान इन्हें कक्ष में ले जाइए। इनके आतिथ्य में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी महाराज। आइए। की आवश्यकता नहीं है, हम रात को तुमसे आके मिलते हैं। राज सिंहासन के बीच में ये सबसे ताकतवर सिपाही है, जिसे रास्ते से हटाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस हाथी के होते ये काम आसान नहीं होगा। ये न तो दाएं देखता है न बाएं। इस हाथी से लड़ने के लिए कोई घोड़ा नहीं है आपकी नजर जो इसे गिरा सके? बिल्कुल नहीं। ऐसी चाल हमें भूलकर भी नहीं चलना है, क्योंकि अगर कल्लारी को कुछ भी हुआ तो हमारे राजनीतिक शत्रु पैदा हो जाएंगे। कल्लारी को हटाए बिना हम पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकते, पृथ्वी को हटाए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप समाधान बता रहे हैं या मेरी समस्या है? ठहरे रखिए महाराज, महाकाय के पास इन दोनों समस्याओं का अचूक समाधान है। हम एक तीर से दो शिकार करेंगे।
और तीर का नाम है राजकुमारी मृणाल। उसे आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। लेकिन कल्लारी ये सब होने नहीं देगा। बिल्कुल सही, वो विरोध करेगा और यही तो हम चाहते हैं। उसके विरोध को हम देशद्रोह घोषित कर देंगे और देशद्रोही के साथ मालवा की जनता स्वयं ही न्याय कर देगी। और मृणाल, जब ये दोनों खिलाड़ी इस खेल से बाहर हो जाएंगे तब हम अपनी आखिरी चाल चलेंगे। फिर मृणाल को तैलब राज को वापस करने के बदले में हम उनसे संधि का प्रस्ताव रखेंगे। तैलब के पास अपनी बहन को छुड़ाने के लिए हमारी शर्त मानने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा। और फिर महाराज सिंह दंत के पुत्र होने के नाते आप ही मालवा के उत्तराधिकारी और भावी सम्राट होंगे। आपने बुलाया मां? जी महाराज, मेरा ये मानना है कि मानिकखेट की राजकुमारी का राजमहल में रहना उचित नहीं है। इसे कारावास में डाल देना चाहिए। निसंदेह, मैं विचार कर रहा था और मैंने निर्णय ले लिया है। सिंधु और महाकाय की भी यही राय है। उन्होंने सारी व्यवस्था कर दी है पृथ्वी। मेरे लिए कोई आज्ञा? कोई आज्ञा नहीं। ये जो निर्णय लिया गया है ये बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था। अब चूंकि ये निर्णय अब लिया गया है, सिंधु और महाकाय सारी व्यवस्था कर देंगे। मैं केवल तुम्हें अवगत करा रही हूं पृथ्वी। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? नहीं मां, कोई आपत्ति नहीं। बस आप अपना निर्णय मुझे बता देती, मैं सारी व्यवस्था कर देता। आपको स्वयं इस कार्य के लिए यहां तक आने की आवश्यकता ही नहीं होती। मान्यखेट की राजकुमारी को हम स्वयं विदा करना चाहते थे। कल रात हमें खत्म कर दिया होता तो अच्छा होता। हमें जीवित छोड़कर बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप। जब तक मालवा का अवशेष है और सिंगंत जीवित है, हमारा प्रतिशोध और हमारी नफरत जीवित रहेगी। मान्यखेट की राजकुमारी को रथ पर बैठा दिया जाए, वो रथ जो उन्हें कारावास तक पहुंचा देगा, और बाकी का कार्य सिंधु और महाकाय करेंगे। प्रतिशोध की अग्नि ने आपको इतना अंधा कर दिया है कि हिंसा और नफरत के अतिरिक्त आपको कुछ और दिखाई नहीं देता। उम्मीद करता हूं मालवा की कैद आपको प्रेम सिखा दे। सहसम्मान ले जाओ इन्हें।